दोस्तों राजस्थान के इमाम मतदाता सूचियों का काम दोबारा फिर हो गया शुरू, यानी लोकसभा चुनाव 2024 री निर्वाचन विभाग तैयारियां अपनी शुरू कर देनी है। थाना जी की वोटर लिस्ट की बात करा, विंग बारे में जानकारी देना चाहवागा। आज राजनीतिक पार्टियां रे सदस्य रे सागे उप जिला निर्वाचन अधिकारी एक बैठक भी कर देनी है। शायद 2024 ने मतदाता सूची और प्रूफ प्रकाशन हो जाएगा और जिका फार्म बना पर दावा पत्तियां कवा भी नहीं प्राप्त करने की अवधि है वह शायद 2024 लेर 22/1/2024 तक रवेला। बिंगे माँ 20 जनवरी 2024 और 21 जनवरी 2024 ने दो दिन जिका रविवार और शनिवार है भी दौरान बैठक भी हो रहा। हरेक मत जिको बूथ बनाएड़ो हो BLO बैठे फार्म लेन रो कारण और राजनीतिक दलाऊँ बटे वह भी विचार विमर्श करसी जिका वोटर लिस्ट में नाम कोनी वह नाम जुड़वा सकेला और दावे पत्तियां जी की प्राप्त वेला वह 2/2/2024 शुक्रवार तक निस्तारण ER स्तर पर किया जाओ। और आप अंतिम प्रकाशन की बात करा, मतदाता सूची तैयार और अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी 2024 ने कर दियो जाओगो। इस तरह प्रोग्राम मतदाता सूची रो बनाने खातर आयो है और आज की बैठक हुई है, बिंग बारे में उप जिला निर्वाचन अधिकारी के कहन लाग रहा है वह भी थाने सुनाते हैं, सुनियो जरा। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित मतदाताओं सूचियों के पुनरीक्षण प्रोग्राम के तहत जो आज राजनीतिक पार्टियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मतदान जो बूथ हैं उनके रेशनलाइजेशन से सहित और मतदाता जो सूचियां हैं उनका पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में उनको जानकारियां दी गई। इसके तहत ये अभी है जो एक्सरसाइज की जा रही है कि उनका हम रेशनलाइजेशन करें, इस बारे में लिखित में जानकारी मांगी जा रही है, उसके बाद में आगे जो भी इसमें एक्शन किया। BLA अभी जो गत विधानसभा चुनाव में जो प्रमुख हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल हैं, लगभग उन्होंने लिस्टें दी हैं इसमें और वापस इनसे मांगा जा रहा है कि अगर कोई चेंज है तो हमें आज ये प्रोवाइड करवा दें। वोटर लिस्ट साथ साथ और भी कई काम किया जा रहा हो, जी हाँ 1400 अधिक जिसका मतदाता वाला मतदान केंद्र है वहाँ ने भी ठीक करने रो काम ई दौरान चाल सी। यहाँ पर संख्या की बात करा तो संगरिया में 7 ईसा पोलिंग स्टेशन है जिसका 1400 ऊपर वोटर है। हनुमानगढ़ के माँ 12 ईसा मतदान केंद्र है जो 1400 वोटर ऊपर चाल है। पीड़ीबंगा में 17, नौर में 18 और बादरा में 15। जानी हनुमानगढ़ जिले की बात कर लें तो 69 मतदान केंद्र ईसा है जिसका 1400 ऊपर वोटर चलन लाग रहा है। अन्य तोड़न काम भी कर नया मतदान केंद्र बनाने रो उपरालो भी इन अवधि के दौरान करे जाओ और लोकसभा चुनाव जिसका 2024 में होना है वी खातर चुनाव से जुड़ा हुआ जिता अधिकारी है वह दोबारा फिर शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव अभी संपन्न होया है और बिंगे सागे लागते लागते ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां हनुमानगढ़ जिले के माँ करनी शुरू कर देनी है और निर्वाचन विभाग जिसका आदेश प्राप्त हुआ है बिंगे अनुसार ही कार्रवाई अब ER स्तर पर और जिला स्तर पर जिसका निर्वाचन कार्य है कार्यालय बनना है वह ई तरह की तैयारियां शुरू कर देनी है और लोकसभा चुनाव 2024 मई 2024 में हालांकि प्रस्तावित है, लेकिन निर्वाचन विभाग और जिसका जिले वाला दफ्तर हो वह बांधने तो तैयारियां पहले ही शुरू करनी पड़े। इन वास्ते वोटर लिस्ट जो काम है वो शुरू हो गया है और लोकसभा जिसकी अन्य व्यवस्था सारी है वह भी धीरे धीरे शुरू होन हनुमानगढ़ जिले में थाने दिखने लग जाएगी। तो फिर थाने इसी सूचना चुनाव जुड़े लोकसभा जुड़ी जी की सूचना देवांगा। तो गुरदेव सिंह सैनी ने दियो इजाजत, सगला ने राम राम।